जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी और पुंछ को लेकर इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार जम्मू ट्रिब्यून जो है वो पुंछ और राजौरी में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ वहां की अपडेट है वो लगातार जम्मू ट्रिब्यून आप जनता तक जो है वो साझा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसे में इस समय की एक ये कहें कि पुंछ और राजौरी के लोगों के लिए गुड न्यूज है कि इंटरनेट सर्विसेज को जिला पुंछ और राजौरी में जो है वो रिस्टोर कर दिया गया है। लगातार जम्मू ट्रिब्यून इस बात पर एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील कर रहा था कि वहां के लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन ऐसे में जम्मू ट्रिब्यून द्वारा लगातार खबरें जो चलाई गई और उसके बाद आज एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वहां पर इंटरनेट सर्विसेज को राजौरी और पुंछ में रिस्टोर कर दिया गया है, जिसके चलते आज लोगों में जो है वो काफी ज्यादा खुशी की लहर है। अगर आप राजौरी से हैं या फिर पुंछ से हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अपने अपने इलाके का हाल जरूर बताएं कि आप 5G मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज का फायदा उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं। आपको बताने चले कि पुंछ के सुरनकोट में जो कुछ ही दिन पहले आर्मी की दो गाड़ियों पर जो है वो आतंकियों द्वारा हमला किया गया और उसके बाद कुछ सिविलियंस को भी वहां पर जो है वो डिटेन किया गया था, लेकिन ऐसे में 3 सिविलियंस की वहां पर जान चली गई, जिसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो की जा रही है और FIR भी इस हवाले से रजिस्टर कर दी गई है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की बात करें तो वो भी जम्मू कश्मीर का उन्होंने दौरा करा, जम्मू में मीटिंग के बाद राजौरी और पुंछ के लोगों से भी बातचीत करी और खासकर उन 3 सिविलियंस की जिनकी जान चले गई, बाद में उनके परिजनों से भी मिले, लेकिन ऐसे में इंतजार लोगों को इस बात का था कि आज के दौर में अगर इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया जाएगा तो आम लोग जो है वो किस तरह से अपना कारोबार चलाएंगे। जाहिर सी बात है कि आज के इस डिजिटल दौर में हर किसी के जेब में मोबाइल फोन है और जब भी वो कहीं पर भी सामान लेने के लिए जाता है तो वो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जेब से फोन निकालकर जो है वो ऑनलाइन पेमेंट करता है और अपना सामान घर ले जाता है, लेकिन ऐसे में कई सारे जो ऑनलाइन लोगों के कारोबार है वो भी सफर कर रहे थे और बार बार हमें भी कहा जा रही थी कि जनाब आप इसके बारे में न्यूज लगाएं। लगभग 2 बार जो है वो जम्मू ट्रिब्यून ने इस हवाले से न्यूज को जो है वो ऑन एयर किया और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने ये अपील करी कि जनाब जो है वो यहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज को रिस्टोर किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं आज जो है वो इंटरनेट को पुंछ और राजौरी में रिस्टोर कर दिया गया है। इस समय की ये सबसे बड़ी खबर आप जनता तक साझा करने की कोशिश कर रहे हो कि पुंछ और राजौरी में इंटरनेट सर्विसेज को अभी अभी रिस्टोर किया गया है और जिसके चलते लोगों में काफी ज्यादा खुशी की लहर है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहें कि लोगों का इस तरह से ये कहना था कि लोगों को जो है वो इंटरनेट ना चलने की वजह से राशन तक नहीं मिल पा रहा है और स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चों को जो है वो ये स्टडी का मटेरियल भी जो है वो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ऐसे में अब जरूर राहत मिली होगी कि अब जिस तरह से मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को पुंछ और राजौरी में रिस्टोर कर दिया गया है और अब वहां के लोग 4G या 5G का फायदा वहां पर ले पा रहे हैं। और ऐसे में काफी सारे लोग जो पुंछ और राजौरी से बाहर काम करने के लिए गए थे वो उनका अपने परिवार वालों से रابطہ जो है वो कट गया था, लेकिन आज जिस तरह से पुंछ और राजौरी में इंटरनेट सर्विसेज को रिस्टोर किया गया है तो आज कहीं ना कहीं लोगों को जरूर वहां पर राहत मिली होगी। लेकिन सर्च ऑपरेशन की बात करें तो वो जो है वो अभी भी लगातार जारी है और उन आतंकवादियों को ढूंढने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।